गया जिला डोभी प्रखंड अंतर्गत चंदा पुल के पास से 80 कार्टन विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गया जिले के डीएम के निर्देशानुसार लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था, इसी के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि जांच के क्रम में पिकअप पर ऊपर से आलू लदा था, उसके नीचे 80 कार्टून विदेशी शराब रखी थी। पिकअप को अपने कब्जे में लेते हुए दो लोगों की गिरफ्तारी की गई। दोनों गिरफ्तार युवक छपरा जिले के मोहम्मद मयुद्दीन सरफराज के रूप में हुई। दीपक सिंह ने यह भी बताया, शराब माफिया शराब की तस्करी करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है, लेकिन हम लोग भी उनकी सोच को लगातार असफल करते आ रहे हैं। सर, आज शराब की गाड़ी पकड़ाई है, बड़े खेत में आप कामयाबी हासिल की है पकड़ने में। जी, जिलाधिकारी महोदय गया के आदेशानुसार हम लोगों की टीम सघन जांच कर रही है चेकपोस्ट पे, और इसी जांच के क्रम में एक सूचना मिली हम लोग को, तो हम लोग पूछ किए गिरजापुर, वहां एक पिकअप आते हुए दिखा, उसको रोकने का प्रयास किए जो कि चकमा देके भागने लगा, और उसको पीछा करते हुए हम लोग चंदापुर के पास उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद ऊपर से आलू का बोरा, यूजलेस आलू जो कि गंध दे रहा था, और पिकअप थी वो, उसका नंबर BR04GA2755। जब आलू के बोरा को हटा के देखा गया तो उसमें ये ओल्ड हैबिट व्हिस्की का कुल 80 कार्टून बरामद हुआ, और मोहम्मद नईमुद्दीन और सरफराज दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, दोनों छपरा जिला के रहने वाले। पूछताछ में दोनों ने बताया कि हम लोग रांची से शराब लूट करके छपरा जिला जा रहे हैं, आगे की कार्रवाई जारी है। सर, ये पता चल रहा है कि जो गाड़ी का जो मालिक है वो BSF जवान भी है। जी, जो पिकअप के मालिक हैं खुद मोहम्मद नईमुद्दीन, ये BSF के रिटायर्ड जवान हैं, और इन्हीं के देखरेख में यह अवैध शराब का धंधा संचालित हो रहा है। लगभग कितना मूल्य का शराब होगा? ये कुल 80 कार्टून है, इसकी कीमत मार्केट में लगभग हमें लगता है कि 7-8 लाख रुपया। सर, लगातार जो शराबबंदी कानून का इन लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या इसमें लगता है कि कुछ शराब माफियाओं पर कानून का कोई भय नहीं है? शराबबंदी जो माफिया है उनका तो प्रयास रहता है कि शराब का हम लोग शराब का जो अवैध व्यापार का कारोबार है फले फूले, लेकिन हम लोग भी उतना ही ये हैं, अलर्ट हैं इस तरह के माफिया को पकड़ने के लिए, और सफलता हम लोग को भी मिलते रहती है। दीपक कुमार सिंह, एक्साइज इंस्पेक्टर, डोभी चेक पोस्ट, गया। थैंक यू।